एनी गेसेस, एनी सॉन्ग्स? चलो भाई हे गाइस, कैन यू सी मी, हियर मी, एम आई लाइव? Hey guys, can you see me, hear me? Can you, am I visible to all? Yeah, kya baat hai, kya baat hai. Hi everybody, good evening to all. Good evening. Okay, okay, okay. Mark your attendance here guys. Apna apna attendance mark karo sab log. Jaldi se, quickly. Quickly, क्या बात है, क्या बात है, अरे भाई, अरे अरे क्या बात है. So who all are here? Okay, okay. Let me see. अच्छा तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है. How you have to mark your attendance? You have to send your favorite smiley. Okay, okay. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Okay, okay. और यार, my screen has to be beautiful. तभी तो energy आएगा यार guys. कैसे ऐसे कैसे चलेगा? क्या बात है, क्या बात है. ओके, सो हु ऑल आर हियर? निमेर, भूमिका, अंकिता, ओ गॉड, सो मेनी पीपल आर हियर. दर्शन रावल जी, अरे आओ, भाग्य हमारे, हम तो धन्य हो गए. दर्शन रावल जी मेरा वो देखने आ रहे हैं. चलो भाई, चलो ठीक है. हमजा, अंकिता, रिया, भूमिका, आदिति, क्या बात है, सो मेनी पीपल आर हियर गाइस. ओके, क्या बात है. ओके ओके ओके, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन गाइस. एंड आज बायोलॉजी धुन का सेकंड पार्ट है. सो टुडेज, आज के सेशन में हम लोग क्या लेके आए हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट वाज लाइक, यू नो, एक लड़की थी शायद, उसने मुझे बोला था कि मैम एक उसमें मेमोनिक बनाओ. टाइम लगा, ठीक है ना, थोड़े लेम सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना, शुरुआत है ना यार, कोई बात नहीं ना यार, ठीक है ना. तो तुम उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है. सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट, द फर्स्ट मेमोनिक व्हिच इज गोइंग टू कम. ओके 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 ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टुडेज टू द टुडेज सेशन गाइस. और आज का हमारा सेशन है ज़ू निमोनिक्स. दोज़ हु आर वाचिंग मी द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा एंड अ मास्टर टीचर ज़ूलॉजी हियर. एंड इन दिस सेशन वी लर्न निमोनिक्स, दैट टू इन अ म्यूजिकल वे, है ना, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके, या नॉर्मल से थोड़ा सा हटके हम लोग इसमें कुछ करते हैं या फिर ट्राई करते हैं. वी आर जस्ट बीन एक्सपेरिमेंटिंग, लेट अस जस्ट सी हाउ दीज थिंग्स गो. या चलो शुरू करें गाइस, शुरू करें. रेडी, रेडी, ओके ओके ओके. बिग अप्लॉज टू मीनाक्षी. ओह मैम हवा में उड़ जाएगी, इतनी तारीफ मत करो, ठीक है. चलो चलो चलते हैं, देखते हैं आज है क्या पहले. ठीक है, चलो गाइस, चलो लेट अस जस्ट सी. सो चलते हैं बायोलॉजी धुन ज़ू निमोनिक्स पार्ट टू. ओके, द सेम गिटार आई प्ले, हाँ, ऐसा कोई उसके लिए नहीं, पोज करने के लिए नहीं किया, ठीक है. चलो एंड गाइज, इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सब्सक्राइब बटन, ये प्रेस बेल आइकन है हमारा, ऑल ऑफ द वीडियोज यू कैन सी, यू नो, आफ्टर सब्सक्रिप्शन. ओके, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइज, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है. यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट एज वेल. This is a big discount offer, guys, and 50% off you can get. And what is Neet Pro subscription? Neet Pro subscription, ke aapko ye benefits milenge. These are the benefits you're going to get. Option to learn in English and Hindi, test assignment, this, full access to live courses, sab kuch. It's a jackpot, take it. ले लो इसको, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें चल रहा है डिस्काउंट. कितना 3750 में कोर्स मिल रहा है गाइस, 7500 में जो है, कैसे आपको कैसे मिलेगा डिस्काउंट? यू कैन यूज अ कोड एम एस प्रो. Link is given in the description box, guys. So this is the window. This is kind of a window you're going to get. इस तरह का आपको window मिलेगा. And आपने coupon code लगाना है. And then उसके बाद हो जाएगा. These are our esteemed faculties. Very, very experienced. ठीक है? इनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा. ये है आज के sessions की details. तो ये देख लो, बहुत सारे हैं. ठीक है? तो हमने बायो टेक्नोलॉजी को आज खत्म कर दिया. नहीं देखा है तो देख लेना, हम लोग यहाँ पे, उसके बाद आपके केमिस्ट्री के सेशन है अरविंद सर के साथ में. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो आर यू रेडी, आर यू रेडी? कौन कौन रेडी है भाई, आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करो ना. हाँ ठीक है. चलो यार, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पहले. ओके, सो गिव मी अ चेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ स्टार्ट करने से पहले, चलो भाई चलो. या
ओके ओके ओके, क्या बात है क्या बात है, 100% पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज की ओहो, गिटार ट्यून नहीं देखा यार मैंने, ट्यून है ना, हाँ ट्यून है। सो गाइस चलो आगे जाने से पहले मैं बता देती हूँ, कुछ डिस्क्लेमर कर दे कि इस सेशन के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसका एकमात्र पर्पस बच्चों को मिमोनिक सिखाना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई गाइस शुरू करें। सो आज की स्टोरी है किसकी, एक टीनेज बच्चे की, एक टीनेजर की स्टोरी है, ठीक है। सो मम्मी पापा ने मना किया, टीचर्स ने मना किया, लेकिन फिर भी वो फंस गया, किसके चक्कर में, तुम्हें समझ आ जाएगा गाना सुन के। तो आज हम बात करेंगे फेजेस की, उसकी लाइफ में कौन कौन से फेजेस आए। तो फेज नंबर वन, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चारे लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चारे लगे हम। तो ये तो था फेज वन, सबकी लाइफ में आता है ना, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। अब दूसरा स्टेज क्या है, देखो होना ही है वो तो, ठीक है ना, अभी मत तो ठीक है, तुम मन मन में पता नहीं मेरे लिए क्या बोल रहे हो, बट आगे दिस इज अ फेयर स्टोरी, हाँ, मतलब स्पेशली एट योर एज, ठीक है। कहता क्या, वो जो आंखों से कबल ना ओझल हुए है ना, लापता हो गए देखते, वो जो कहते बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते, वो जो कहते बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते। ये तो पार्ट टू, ठीक है, ये पार्ट टू। अब मुद्दे पे आते हैं, हमारा मुद्दा कबीर सिंह देखी है ना, देखा ना उसका वो सनकपन, देखा इस गाने को ध्यान से सुनना, मेरे ख्याली में भी तेरा ही ख्याल है, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये ख्याल है, तू मेरी याद तो की तरह छूटता नहीं। तो ये है थर्ड फेज, ठीक है, पढ़ते वक्त उसका ख्याल आ रहा है, सब कुछ उसका ख्याल आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है गाइस चलो। तो कहता है ऐसा होता है ना कि सब कुछ ऐसे खत्म हो गया, ऐसा लगता है बस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई कुछ बोल रहा है कुछ पता नहीं चलता है ना, तभी तो मना करते हैं, दिस इज नॉट राइट एज, आई एम टेलिंग यू गाइस, टेलिंग यू, समझा करो, माँ बाप की बात सुना करो, टीचर्स की बात सुना करो, सुनो भाई सुनो। कहता है पहली बारी एमटीआरी बेमिसाल है, गाओ मेरे साथ, पहली बारी एमटीआरी बेमिसाल है, फिर तुम गिड़गिड़ाते उसके पास जाके, कैसे प्लीज, कैसे प्लीज, ऐसे करके प्लीज। तो फिर क्या हुआ, पेपर भी गए, समझा करो, पेपर भी जाएंगे, ठीक है ना, प्लीज पेपर भी उड़ा गए हाँ, ठीक है। तो कहता है पहली बारी एमटीआरी बेमिसाल है, प्लीज पेपर भी उड़ा गए
भाई चलो बहुत मस्ती हो गई, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस PBR 322। ये है, एक बच्चे ने मुझे बार बार बोला था कि मैम प्लीज इसका मेमोनिक दे दो, सो हमने उसको ट्राई किया है। लेट अस जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट। सो आप इसका एक चित्र एक बार देख लीजिए कि कैसे है, कैसा दिख रहा है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, काफी कुछ है इसमें, काफी कुछ है इसमें। तो देखते हैं अब इसका हम लोग इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई चलो। तो क्या बोला, पहली बारी एम्प्टी आरी, सब खाली खाली लग रहा है। चलो आओ जरा देखते हैं कैसे। सॉरी पीछे आओ भाई, ठीक है। लिख के बता देना, थोड़ा फील ज्यादा होता है। तो कहता है, अरे लो आ ही गया भाई, क्या लिख, देखो पहली बारी एम्प्टी आरी बेमिसाला है। तो आई है ना गाइस, आई वन लगा हुआ है साथ में, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, पहली बार एक बार लिख के देखते हैं यार इसको। आओ जरा कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सब लोग। हाँ कहता है पहली बारी बारी, ठीक है, एम्प टी आरी, दो मतलब निकलते हैं इसके, एक तो रिस्ट्रिक्शन साइट है, ऊपर से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। पहली बारी एम टी आरी बेमिसाल आए, आए आए को, आए को हमने आए कर दिया, ठीक है। बेमिसाल आए प्लीज प्लीज तुम पेपर भी, पेपर पेपर भी उड़ा गई, तुम पेपर भी उड़ा गई और गए, ठीक है ना, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है, तुम पेपर भी उड़ा गए, मतलब सत्यानाश हो गया सब चीजों का, जो जो सोचा था सब कुछ है। पहली बारी एम्प्टी आरी बेमिसाल आए प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गए। कहा था तुझे, है ना, पेरेंट्स का सार्केज्म आ रहा है, तुझे मैंने कहा था, तुझे अगर अगर गलती से मम्मी को पता लग गया तो, ठीक है ना गाइस। चलो आओ यार इसको देखते हैं, अब इसको कैसे फिट किया हमने। चलो भाई चलो, देखो अब तुम देखो अपने आप, देखो सब कुछ कर दिया मैंने, पहली पी बारी बी आर, ठीक है ना, देन उसके बाद पी बी आर हो गया, एम्प एम्प का एम्प, एम्प टी की स्पेलिंग में थोड़ा चेंज कर दिया, एम्प टी एम्प टेट दोनों आर है, ठीक है ना, एम टेट आर मतलब कि दोनों रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ये, ठीक है। तो देखो आर ई की यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं, एक तो आर है और ऊपर से आर ई भी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट, लुक एट दैट, इजंट इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। बेमिसाल है ना, बैम एंड एसाल, ठीक है ना, वन आए बेमिसाल आए प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई, देख लो भाई प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई। देखो गाइस बहुत मुश्किल था, पहली बता रही हूँ, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो कहता है पहली बारी एम टी आरी मिसाल आए प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गए, की फर्क पै रहा है, तुमको लिरिक्स वो याद ही रखने हैं, तुम्हारे लिए लिरिक्स ये है, तुमको ये तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे गाइस, ठीक है। तो एक बार फिर से पहली बारी एम टी आर बेमिसाल आए प्लीज तुम पेपर भी PBR 322 done, ना, अब भूलना नहीं है इसको, ठीक है।
तो ये डन हो गया, हो गया, हो गया, यस 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 यस। अरे पंजाबी अच्छा लगता है, सीखना भी तो है, पंजाबी भी गाए कुछ भी तुम। डन हो गया, पहली बारी एम्प्टी यारी है ना, पहली बार से जग सुना सुना लागे, पहली बारी एम्प्टी यारी, बेमिसाल आए आए आए, ठीक है, देख रहे हो तुम। प्लीज तुम पे परवी उड़ा गई, ठीक है ठीक है, इसको इस बात को भूलना नहीं है, फिर मत बोलना मैम ने नहीं बताया था, ठीक है। हाँ बता दिया मैं तुम्हें, हेड्स अप दे रही, बाकी तुम्हारी इच्छा है, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना तुम करो, ठीक है, ओके ठीक है गाइस। तो अभी क्या हुआ मैं बताती हूँ, मैं अच्छा एक कहानी सुनाते हैं तुम्हें, एक कहानी, ये डन है ना, चलो चलो इसका एक पार्ट रह गया ना अभी, अभी सुनो उसका कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा क्लास वन में पढ़ता था, ठीक है सुनते जाना, ठीक है मेरी कहानी है ये, ठीक है ये मेरी कहानी है। मैं क्लास वन में पढ़ती थी और मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था हिंदी, मेरे हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आते थे। सो रोज हिंदी का कौन सा पीरियड होता, थर्ड पीरियड होता, बहुत मजा आता, मैं बहुत वेट करती थी, है? लेकिन उस दिन हिंदी वाली टीचर आई नहीं, एक और टीचर आ गई उस दिन, समझ रहे हो, हिंदी वाली टीचर आई नहीं, कोई और टीचर आ गई, तो कैसे ना फिर ना मैंने गाना बना दिया, फिर मैंने गाना बनाया, मैं कहा चलो एक गाना बनाते हैं, अगर हिंदी वाली टीचर नहीं आई तो, ठीक है मैंने खुद बनाया, म्यूजिक भी खुद दिया उसको, देखें। ओ कदे सफुल ते कदे ओ सफुल ते यार मेरा तितलिया वर, ओ कदे सफुल ते कदे ओ सफुल ते यार मेरा तितलिया वर गा। ये मैंने म्यूजिक बनाया, ठीक है इसको ऐसे थोड़ी गा। क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, जो मुझे चाहिए नहीं थी टीचर, ठीक है। क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, चलो सिंग अलोंग। क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, कदे उस पुल ते कदे उस पुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा, हो क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, ठीक है। मैंने बनाया इसका म्यूजिक, इन्होंने तो चोरी किया बाद में मेरा पता, सीरियस मत ले लेना भाई, मजाक कर रही हूँ, ठीक है भाई, ठीक है ना। हो क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, समझ में आया, चलो भाई समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो ये तो निकल गया हमारा पहला वाला पार्ट, अब निकलते हैं दूसरा वाला फिर, ठीक है चलो ये तो पता ही चल गया, तो उसको आगे चलते हैं। देखो क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, तो पता नहीं, ठीक है ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, मुझे क्लास वन का याद है अपना सारा कुछ, क्लास वन हिंदी टू, ठीक है इको आर वन, ठीक है समझ गए भाई, समझ गए, याद हो गया। क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, कदे इस पुल ते कदे उस पुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा, ओ कदे इस पुल ते कदे उस पुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा, समझ आ गया, ठीक है ठीक है ना। प्लीज तुम पे परवी उड़ा गई, पहली बारी एम्प्टी यारी, बेमिसाल आए, प्लीज तुम पे परवी उड़ा गए, हाँ सही है ना, ठीक है ना। ओ क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक बार आ गई, ओ क्लास वन का हिंदी थर्ड पीरियड एक बार आ गई, दैट इज इट, ठीक है।
हमने क्या, हमने दो स्टोरीज पढ़ ली हैं. एक तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी तुम्हारी किसी की स्टोरी थी वो, ठीक है ना, और एक हमारी स्टोरी हो गई ये वाली, ठीक है, मेरी स्टोरी. अब एक, अब तीसरी कोई स्टोरी नहीं है. हिंट टू है क्या? टू है कि वन है? टू है कि थ्री है यार? टू, सॉरी सॉरी, थर्ड नहीं, सॉरी सेकंड. अरे कर लो ना यार इतना, थर्ड पीरियड नहीं, सेकंड कर लो, ठीक है भाई, सेकंड कर लो. सेकंड पीरियड होता था यार, चलो ठीक है, गलती हो गई यार, थर्ड नहीं सेकंड कर लेना, ठीक है. अच्छा चलो. भाई और क्या? हाँ अब कुछ नहीं, अब तुम्हें दो गाने सीख लेना. क्या रे मैम बहुत ज्यादा हो गया, अब थोड़ा ना थोड़ा कम कर दो, देख कम करें थोड़ा सा. सो मैंने कहा म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना, तो कहता है तो गाना सुना तुमने वाला, सुना होगा तुमने वाला, कौन सा? Despacito. Posito, posito, sobe, sobecito. तुम्हें गाना याद नहीं करना है, तुम्हें पूरा गाना याद नहीं करना है, ठीक है. तो क्या कहता है, एक ही, इसमें एक वर्ड काफी है सबके लिए, एक वर्ड काफी है, पता क्या? फोंसी. क्या कह रहा है? लुईस फोंसी है ना, फोंसी. तो हमने फोंसी के नाम के साथ थोड़ा खेलना है इसमें. कैसे? तुमने फोंसी नहीं बोलना है इसको, तुम्हें थोड़ा चेंज करना है इसको. क्या बोलो मेरे साथ? बोलना ड्रोन सी, ड्रोन सी, ड्रोन सी, ठीक है. फोंसी, फोंसी को कैसे बोलना है? ड्रोन सी. Posito, posito, sobe, sobecito. Despacito. मुझे तो भैया एक ही लाइन समझ में आती है, बाकी मैंने लाइन समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, बिकॉज मुझे म्यूजिक से मतलब था और मुझे तुम्हारा मेमोरिक मिल गया, ठीक है. तो गाइस अब हम चलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या है. तो मैंने तुम्हें क्या बोला, फोंसी के साथ थोड़ा हमने क्या करना है, फोंसी के नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. तो क्या? ड्रोन सी, ड्रोन सी, ठीक है. ठीक है ना, चलो भाई चलो देखते हैं कैसे आ रहा है. ड्रोन सी, ड्रोन सी, ड्रॉ, 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 सी, एच, मतलब हॉन सी, ड्रोन सी. पता चल गया होगा वैसे अभी तक. बजीतो बजीतो सबे सबे सीतो ड्रोन सी. चलो अब चलते हैं भाई, अब तो पता ही चल गया होगा कि हमें क्या बोल रही हूँ. से डी से गाइस ड्रायोपिथिकस, आर से रामपिथिकस, ए से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, एंड एन से नियांड्रथल्स, एंड सी से क्रो मैग्नन, एंड लास्ट तुम्हें पता ही है होमो सेपियंस. दैट्स इट, फिनिश. ठीक है ना गाइस, समझ आया? देखें फ्रांसी, ड्रांसी, बस बात खत्म. ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है यार, ऑसम इसमें हो रहा है ना यार, शॉर्ट में हो रहा है काम, तो लॉन्ग में गाय को जाना है, ठीक है ना. ड्रांसी स्पेलिंग देख लेना, ड्रांसी के ड्रॉ हॉन्सी, ड्रॉ हॉन्सी, अच्छा तो ना उनमें ऐसे स्पेलिंग लोग मतलब वर्ड पे ना हा फ्रॉम द एपिग्लोटिस, हा फ्रॉम द एपिग्लोटिस याद रखना इसको, ठीक है ना, हा दो बार है, ठीक है. अब सारा कुछ याद कर लेना इसका, क्रेनियल कैपेसिटीज एंड सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, डन हो जाएगा सब कुछ तुम्हारा. समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, गुड 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 गाइस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. अंजाम है ये मेरा, बोला तुझे है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं. ओ खैरियत बोल
डन तू मेरी यादों की तरह छूटता नहीं। तो आदत पता किसकी डालनी, किसकी आदत डालनी है, नीट के बारे में पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ गया, ठीक है? तो ये याद रखना है इसको, ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ नहीं, ठीक है ना? खैर बहुत लोगों के दिल टूटे ना, लाइक को दिल टूटना पता ही नहीं तुम्हें होता क्या अभी जिस एज में तुम हो, ठीक है? इन्फैटुएशन हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया अगेंस्ट न्यू यार, बट ठीक है यार, प्यार कुछ बहुत अलग चीज होती है भाई, ठीक है? ठीक है, ओ कदे उस भुलते, ओ कदे उस भुलते यार मेरा तितलियां वर। ओ क्लास वन में हिंदी का सेकंड पीरियड एक बार आ गए, ओ क्लास वन में हिंदी का सेकंड पीरियड एक बार आ गए। ओ कदे उस भुलते, कदे उस भुलते यार मेरा तितलियां वर। गा समझ में आया? ना ना फोन सी ड्रोन सी, ठीक है भाई? गाइस डन। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है? आज हम आपके लिए इतना ही लेके आए हैं, ठीक है? तू मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। चलो, किसी ने कहा था है मैम हमको इसके वो दो मेमोनिक दो, पागल हो गए हो तुम, है हैं क्या है? दो प्रोटोजोन डिजीज है, दो हेलमिंथ है, एक फंगल है, ये तुमको याद नहीं होगा, मैं कोई मेमोनिक नहीं दूंगी तुम्हें इसका। हाँ, तुमको एक साथ में जरूर दे दिया कि हाँ चलिए ठीक है ये ले लीजिए, ये है आपके प्रोटोजोन डिजीज, ये है हेलमिंथ, ये है फंगल, ऐसे इसके लिए वो नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलो भाई चलो, ठीक है, इसका देखते हैं आगे वो भी है, आइए देखो इसका वो भी है, इसके कॉजेटिव एजेंट दिए हैं, तुम देख लो मलेरिया का क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, अमीबिक डायसेंट्री का, एंटामीबा हिस्टोलिटिक का, एस्केरियासिस का, लुम्ब्रिकॉइड्स इसका, विचरीरिया और ये रिंग वॉर्म, ये देख लो फंगल डिसऑर्डर है, ठीक है गाइस? ठीक है भाई, साला अभी अभी हुआ यकीन। अच्छा कुछ तो ऑफ बीट जा रहा यार। है साला अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू आशनी रूबरू
मशालों से बढ़ रही है नाम मेरी। तो ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, इसको इंप्लीमेंट करना ठीक है, कि अभी अभी हुआ हमें यकीन क्या कि आग है मुझ में कहीं, हाँ एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत है, गुम है गुम है गुम है, हो साद मुरादी सोनी मोहब्बत है, गुम है गुम है गुम है। To be continued इसका सेकंड पार्ट आएगा ठीक है। इस गाने के साथ मैं खेलना नहीं चाहती वैसे इतना, इसलिए अदरवाइज मैं इसमें भी किसी को डाल देना ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। आज का जो मेमोरी है काफी भारी भरकम है ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हैवी है उठाने के लिए, सो उसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना है ठीक है ना। पहली बारी एम्प्टी हारी बेमिसाल आए, प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई, हाँ ठीक है। क्लास वन में हिंदी का सेकंड पीरियड एक बार आ गई, डन ठीक है। थर्ड थर्ड उसके बाद क्या था भाई, मैं खुद ही भूल गई भाई, क्या था यार मैं भूल गई। उसके बाद क्या 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 मेमोरिक दिया था यार, बताओ तुम बताओ क्या था लास्ट में मेमोरिक क्या था। हाँ बताओ बताओ, ड्रोन सी ड्रोन सी ठीक है गाइस। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे हम लोग और मेमोरिक्स के साथ में ठीक है। सो तब तक के लिए इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, द बिग डिस्काउंट ऑफर गाइस 50% ऑफ। क्या करना है आपको, MS Pro कोड लगाना है, यू विल गेट द डिस्काउंट एंड दिस इज आवर ऐप, यू कैन डाउनलोड दैट। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, इसको याद कर लेना अच्छे से, कुछ लेम लगे तो ठीक है अपने से कोशिश पूरी की है यार ठीक है, कुछ इग्नोर कर देना, कुछ फीडबैक होगा तो दे देना, अगली बार सही कर देंगे ठीक है गाइस। चलो बाय 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 बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, बाय 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 एवरीबॉडी।